और नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में। नमस्कार, तो मैं आज आपको बताऊंगा अकर्ण धनुरासन की ओर। आपने धनुरासन के बारे में बहुत सुना होगा, धनुरासन बहुत पॉपुलर आसन है, लेकिन अकर्ण धनुरासन के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जैसा कि इसका नाम है अकर्ण धनुरासन, जो संस्कृत से उद्गत है, संस्कृत से लिया गया है। अकर्ण का मतलब है कान की ओर, कान के निकट, और धनुर का मतलब जो लोग धनुष छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं उससे रिलेटेड ये आसन है। और देखिए किस तरह से हम इसको करते हैं। पैरों को धीरे धीरे खोलिए, एक पैर को दूसरे पैर की जंघा पर लेके आइए और इस तरह से पैर के अंगूठे को, बाएं पैर के अंगूठे को दाएं पैर के दाएं हाथ से पकड़ के धीरे धीरे इस तरह से तानिए। इस आसन के फायदे ये हैं कि इस जो आसन है इससे आपके बड़ी आंत पर खिंचाव पड़ता है, आपके पेट की मांसपेशियां मुलायम रहती हैं, सामान्य दर्द आपको नहीं होता है। महिलाओं के लिए भी ये आसन बहुत लाभप्रद है। धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं। जिन महिलाओं को अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है उनको भी इस आसन से बहुत लाभ होता है। कमर और गर्दन में भी अगर किसी तरह का दर्द है वो भी इससे नहीं होता है। लेकिन इस आसन के बारे में आपको बताऊंगा, जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह के दर्द की समस्या है वो इस आसन को ना करें। खासकर गर्भवती महिलाएं भी इस आसन की प्रैक्टिस ना करें और करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इसी आसन को हम देखिए दूसरे से किस तरह करेंगे। पैर को खोलेंगे, धीरे धीरे इस दाएं पैर की अंगूठे को बाएं पैर की बाएं हाथ से पकड़ के खींच कर इस तरह कान की ओर लेके आते हैं। अकर्ण धनुरासन जिस तरह से एक धनुर्धर धनुष में अपने तीर को चढ़ाकर अपने निशाने की ओर लगाता है, आप लगाइए, खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। धीरे धीरे वापस बेसिक अवस्था में पद्मासन में आकर आप बैठ सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यह एक विशेष आसन है जो आपके पेट की मांसपेशियों को, पीठ की मांसपेशियों को, कंधे की मांसपेशियों को खिंचाव पैदा करता है और आपको किसी भी तरह के दर्द से बचाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नियमित प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इस आपको इस आसन के विशेष लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, चैनल में अंत तक बने रहने के लिए और चैनल को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।